चल, ये जो हमारी सीरीज है 5.0, ठीक है, एक या दो सीरीज में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो जितनी भी सीरीज आ रही हैं, ठीक है, उसमें टॉपिक ही ऐसा है कि उसमें ना ज़्यादा घुसना नहीं है, क्योंकि ये सारे क्या है, सेकेंडरी मेथड है, ठीक है। प्राइमरी मेथड जो है सोशल वर्क के हमने कवर कर लिए हैं, उन्हीं को हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। इसको ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि इन्हें पढ़ते हुए लगता है कि हम पबेड पढ़ने लग जा रहे हैं। जो एमबीए करे हो उनको भी लगता है कि अरे तो एमबीए की पढ़ाई स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या करेगा, इनसे इनकी थीम लेगा, ठीक है ना। बाकी हमें सोशल वर्क की जो अप्रोच थी हमारी, पहली दूसरी तीसरी, ठीक है, वही सब अप्लाइड होती हैं। तो सोशल वेलफेयर एडमिशन शुरू करते हैं हम 5.0। सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें समझना एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेशन जो है दो वर्डों से बना हुआ है, अगर मैं इसको तोड़ूं तो ये दो वर्डों में टूटेगा, एड प्लस मिनिस्ट्रेट, ठीक है। एड का मतलब होता है टू केयर फॉर या टू लुक आफ्टर, मिनिस्ट्रेट का मतलब होता है टू मैनेज अफेयर, ठीक है। तो सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हमें करना पड़ता है, अगर हम शॉर्ट में लिखें तो जो सोशल पॉलिसी है, ठीक है, गवर्नमेंट की, इसको सोशल एक्शन में, ठीक है, चेंज करना ही सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। अब देखो इसको समझो कैसे, जैसे इंडिया एक कंट्री है, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट है, ठीक है। मान लो ये मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट है, ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ आपकी माइनॉरिटी है, ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल है, ठीक है, ये HRD है, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। तो सबके अपने अपने मैंडेट हैं, ठीक है। जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल है, ये ट्राइबल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, प्लान्स, ठीक है, वो करेगी। HRD एजुकेशन से रिलेटेड कर रही है, माइनॉरिटी जो माइनॉरिटी से रिलेटेड कर रही है, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड एंड वुमेन, चाइल्ड और वुमेन से रिलेटेड, जैसे IMR हो गया, MMR हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, इन सारे एस्पेक्ट को लेके सोशल पॉलिसी बनाती है, ठीक है। तो जो ये जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, वेलफेयर के, ये अब इनको एज ए इंस्टीट्यूट मानेंगे हम, ठीक है। तो जो इनकी पॉलिसी है, जो इनकी पॉलिसी क्या है, इससे रिलेटेड कोई पॉलिसी होगी, ठीक है, इनकी HRD की पॉलिसी है, जो एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसी है, इन जो सारी पॉलिसी हैं, ठीक है, ये जो है ग्राउंड लेवल पे कैसे वर्क करेंगी, जब तक ये पॉलिसी सोशल एक्शन में ना कन्वर्ट होंगी, ठीक है ना, तब तक इसका कोई यूज़ नहीं है। अब देखो पॉलिसी में क्या है, बहुत सारे बैरियर है, ठीक है, और हिंदुस्तान में तो पॉलिसी को आप जानते हो कितनी पैरालिसिस हो जाती है, वहाँ से चलते चलते पॉलिसी में सब कुछ खत्म हो जाता है, खाली नाम ही बचता है और कुछ नहीं बचता है, ठीक है। तो जो बैरियर हैं, ठीक है, इन बैरियर को हम कैसे रिमूव करेंगे, ठीक है ना, और वो कैसे रिमूव करेंगे, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। तो सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ प्रोसेस होती हैं, कुछ इसके मेथड होते हैं, अगर हम वो अप्लाई कर दें इन पॉलिसी पे, तो ये पॉलिसी जो टारगेट ग्रुप है, ठीक है ना, उसको बहुत आसानी से मिल सकती है, ठीक है ना। तो इसको हम यही बोलते हैं कि सोशल जस्टिस जो है, ठीक है, सोशल जस्टिस में हेल्प करेगी, ठीक है। गरीबों को उससे रिलेटेड पॉलिसी मिलेगी, ट्राइबल को उससे रिलेटेड पॉलिसी मिलेगी, ठीक है। जो गैप है, हमारा काम है सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना हमें, ऑलरेडी जो पॉलिसी है, ऑलरेडी जो इंस्टीट्यूशन है जो वेलफेयर एक्टिविटी करते हैं, उसको, ठीक है, ग्राउंड लेवल तक पहुंचाना, ठीक है, उसको टारगेट ग्रुप तक पहुंचाना, ये कहलाता है सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये तो मैंने एक छोटा सा उसका बना दिया मैंने कॉन्सेप्ट की, कैसे सोशल वर्क एक्शन हम करते हैं। अब इसमें हम थोड़े अप्रोचेस पढ़ेंगे, थोड़े थोड़े हम इसमें थिंकर थॉट डालेंगे, फिर सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन में अगली चीज़ क्या है, देखो सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, पावेड के बच्चों को तो ये तो याद ही होता है कि पोस्ट कॉर, ठीक है, ये इनका मेन फंडा होता है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। इसका मतलब है कि जो सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन होगा, तो हम इसमें ये प्रोसेस फॉलो करेंगे, पी जैसे प्लानिंग हो गया, ओ से ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एस से स्टाफिंग हो गया, डी से डायरेक्टिव हो गया, सी से कोऑर्डिनेशन, आर से रिपोर्टिंग, बी से बजटिंग, ई से इवैल्यूएशन, एफ से फीडबैक,
ये पूरा एक क्वेश्चन आता है इस पे, तो जब मैं डिटेल में कराऊंगा इसको, तो हम ये कह सकते हैं सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन वही पवेड की चीजें पोस्ट कॉर्प को फॉलो करता है, ठीक है। अब हम कहेंगे कि जब पवेड पहली से, पवेड को कहते हैं लोक प्रशासन, ठीक है, जब ये पहली से ये, तो सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन की क्या जरूरत पड़ी, ठीक है। तो अब इस के बीच में जो बैरियर है, ठीक है, उस बैरियर को हम समझते हैं, तो आप समझ जाओगे कि पॉवर्टी होते हुए भी सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत हमें क्यों पड़ी। अब हम बढ़ेंगे सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन की। सिग्निफिकेंस एडमिनिस्ट्रेशन की यह है कि सोसाइटी में, ठीक है ना, हमारी इंडिया जो है मॉडर्न एज की तरफ जा रही है, मॉडर्न सोसाइटी को हम अडॉप्ट कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, इन सब चीज़ों को कर रहे हैं। तो जो स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करें, ठीक है, तो इंडिया है डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, अभी हम डेवलप्ड कंट्री में है नहीं। तो डेवलपिंग कंट्री में बहुत सारी जो प्रॉब्लम है, ठीक है ना, जैसे कि आपकी पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, ठीक है ना, और ओल्ड एज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, चाइल्ड, वुमेन, यूथ, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी, करप्शन, ठीक है। तो जितनी सारी ये प्रॉब्लम है, ठीक है, ये क्यों आ रही है, देखो इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए हमारे पास पहले से पवैट था, ठीक है, लोक प्रशासन था, ठीक है। पवैट क्यों इनमें सफल नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने पॉलिसी तो बनाई, ठीक है, लेकिन इनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है। तो सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या करा, लोगों को जागरूक किया, ये एक ग्रुप था, इसको जागरूक करा कि आपको, आपके लिए ये पॉलिसी बनी है, आप अपने अंदर अवेयरनेस लाओ, अवेयरनेस लाओ, जो इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, मतलब जो एजेंसी है, ठीक है, जो वेलफेयर एक्टिविटी करते हैं उनके पास जाओ, ठीक है। तो दो तरह के इंस्टीट्यूशन आए, एक आया पब्लिक इंस्टीट्यूशन, एक वो आया प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में हम एनजीओ को डाल देते हैं, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कुछ एनजीओ और कुछ वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का काम करती हैं, ठीक है। तो पहचानो कैसे, कि जो जो एनजीओ, ठीक है, जो जो एनजीओ का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि गवर्नमेंट की स्कीम को, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से लोगों के पास लाया जाए, ठीक है, साइंटिफिक वे में, तो वो सारे कहलाएंगे कि वो सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं, ठीक है। ये कोई प्राइवेट में एक कोई हॉस्पिटल भी हो सकता है, बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जो सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं, ठीक है। पब्लिक में क्या होगा, पब्लिक में जो हमारी जो मिनिस्ट्रीज हैं, ठीक है, मिनिस्ट्रीज से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट हैं, ठीक है ना, या मान लो उन्होंने कोई इंस्टीट्यूशन बना रखे हैं, ठीक है, तो अगर वो भी वेलफेयर का काम कर रहे हैं, ठीक है ना, वेलफेयर का काम कर रहे हैं, तो वो सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन कहलाएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि पब्लिक और प्राइवेट, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट में मेन डिफरेंस क्या है वो पूछ लेते हैं। पब्लिक का जो देखो एरिया है ना, वो बहुत ही ब्रॉड है, और एनजीओ का जो है नैरो है, ठीक है। एक एनजीओ को पता है उसकी हद कहाँ तक है, वो उसी क्षेत्र में काम कर सकता है, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट का उसे पूरा सपोर्ट रहता है, तो उसका एरिया इतना बड़ा है कि पूछे मत, ठीक है। और पब्लिक जो है उसका क्या होता है, इनका मोटिव जो होता है नॉन प्रॉफिट होता है, ठीक है। इनका भी, इनका जो है देखो, अगर एनजीओ है तो नॉन प्रॉफिट होगा, ठीक है, लेकिन कभी कुछ जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, ठीक है ना, जो क्योंकि उनके एम्प्लॉयज भी होते हैं, तो उनको कुछ कुछ कमाना होता है, ठीक है, उनके खर्चे होते हैं, तो इसमें हम कहते हैं उनका जो मोटिव जो है प्रॉफिट ओरिएंटेड है, ठीक है ना, यहाँ पे नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, क्योंकि सारे पब्लिक गुड्स पे काम होते हैं, और सरकार बनी किसके लिए, जनता के लिए बनी है, ठीक है, तो डेमोक्रेसी में सारा काम उनके लिए होता है, ठीक है। तो ये जो है छोटा सा एक डिफरेंस हो गया, ठीक है। इसमें फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, पूरे एक देश को चलाना है, एक मिनिस्ट्री का बजट कितना होता है, लाखों करोड़ों में होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है फाइनेंशियल जो है कंस्ट्रेंट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे इनको इंडिपेंडेंस ज़्यादा होती है, इन द सेंस देखो पब्लिक, आप जा रहे से लाइसेंस बनवाने ड्राइविंग, ठीक है ना, तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जो ड्राफ्टमैन बैठे हैं, ठीक है, सुपरवाइजर बैठे हैं, वो कहते हैं आज आओ कल आओ, ठीक है। तो इनके ये इंडिपेंडेंस है, मतलब कुछ लोगों को तो ये यहीं से भगा देते हैं, किसी को तो पता ही नहीं होता इनके पास जाओ कैसे, इनको नेगोशिएट कैसे करो, ठीक है। तो उनको नेगोशिएट कराने के लिए कौन आएगा, सोशल वर्कर, ठीक है। सोशल वर्कर नहीं आएगा तो कोई एक इंस्टीट्यूशन आ जाएगा, ठीक है ना, कोई
प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आ गया या एनजीओ आ गया, वीओ आ गया, जो इन दोनों को कोऑर्डिनेट कराएगी। तो मतलब ये किसका काम कर रही है? सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का। देखो, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा होगा एजेंसी के थ्रू, ठीक है? ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ दिया था, ठीक है? सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन एक इंडिविजुअल के थ्रू नहीं हो सकता, ठीक है ना? वो क्यों नहीं हो सकता? धीरे धीरे आगे पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। अभी इतना याद कर लो, वो किसी एक एजेंसी के थ्रू होगा। वो एजेंसी कुछ भी हो सकती है, पब्लिक एजेंसी हो सकती है, प्राइवेट एजेंसी हो सकती है। तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसके आगे दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एक पावरफुल, ठीक है ना, टूल है फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। अब आप समझ में आ गया ना, इतनी सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये एक बहुत पावरफुल टूल है, तो हमें इसे हमेशा प्रमोट करना चाहिए, ठीक है? अब हम मैंने पहले ही बताया था कि देखो वहाँ पे ये डायग्राम बनाना, सीधे सोशल पॉलिसी क्रिएट टू सोशल एक्शन, ठीक है? यहाँ पे लिख देना सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ से समझ जाएगा कि वो आपने उसकी थीम पकड़ ली है कि पॉलिसी को कन्वर्ट करना है सोशल एक्शन में, ठीक है? तो जो अभी इनके जो प्रिंसिपल होते हैं, PUSD, CORB, ठीक है, वो भी आगे हम पढ़ेंगे। अब हम मेन पढ़ रहे हैं कि अब इसका सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप क्या है, ठीक है? देखो, अब इसका स्कोप क्या है? इसका स्कोप सबसे पहले हम देखते हैं आया कहाँ से है। अब देखो, लक्ष्मीकांत पढ़ी है जिसने पॉलिटी, तो उसके लिए बहुत आसान है। आपको प्रीएम्बल याद है अपना, ठीक है? प्रीएम्बल में क्या लिखा है? वी आर द पीपल, ठीक है, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक जस्टिस फैटर्निटी लिबर्टी और थॉट, ठीक है? तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो क्या दिखाती हैं? वेलफेयर दिखाती हैं ना, दिखाती हैं। तो हमारा प्रीएम्बल हो गया, हमारा DPSP हो गया। DPSP का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है? 36 से जो 51 आर्टिकल तक मिलेंगे उनको आप अच्छी तरह देखोगे तो DPSP भी प्रमोट करता है किसको? सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन को। और एक फंडामेंटल राइट सारे नहीं कुछ करते हैं, ठीक है? और करता है आपका शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 क्या है? स्टेट लिस्ट, ठीक है, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, यही है, ठीक है? तो वो लिस्ट बताती है कि स्टेट को क्या करना है वेलफेयर एक्टिविटी और यूनियन को क्या क्या वेलफेयर एक्टिविटी करनी है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप जो है हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है, प्रीएम्बल से मिला है, DPSP से मिला है, फंडामेंटल राइट से मिला है और शेड्यूल 7 से मिला है। मिला तो और भी चीज़ों से होगा, लेकिन मोटा मोटा हमें वहाँ पे ये दिखानी है कि यहाँ से हमें मिला है, ठीक है? तो अब जब हमें ये इसका जो हमें स्कोप मिला, तो हमारा एरिया क्या हो सकता है सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का? सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का एक एरिया हो सकता है आपका सोशल सिक्योरिटी में, ठीक है? एक एरिया हो सकता है सोशल इंश्योरेंस में, और हो सकता है वेलफेयर ऑफ लेबर में, जो जितना सोच सके वहां पे लिख दो, इसमें कुछ वो नहीं होता, ठीक है? वेलफेयर ऑफ लेबर में हो सकता है, और किस में हो सकता है? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में हो सकता है, पुअरों के लिए हो सकता है, ठीक है, हैंडीकैप्ड लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है, और अदर मैं लिख देता हूँ, अदर में आ गए इनकैपेबल लोग जो रिहैबिलिटेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, डिस्प्लेस पर्सन होते हैं, माइग्रेटरी जो होते हैं। तो इतना सारा सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का है, ठीक है? सोशल सिक्योरिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है? सोशल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? सोशल इंश्योरेंस क्या है, ठीक है? क्या क्या हमें सोशल सिक्योरिटी में आ गया? आपको पेंशन स्कीम आ गई, ठीक है ना? सोशल इंश्योरेंस में आ गया आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, इस टाइप का, ठीक है? तो वेलफेयर ऑफ लेबर, लेबर के भी बहुत अलग अलग वेलफेयर के लॉ है, ठीक है? कितने घंटे काम करना है, कितना नहीं करना है। तो इन सारी चीज़ों हम सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए कभी वो स्कोप पूछते नहीं, क्योंकि स्कोप पूछते हैं तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है? अगर स्कोप पूछ दे, आपकी किस्मत बहुत ही खराब है, ठीक है ना? तो ये बनाना डायग्राम, फिर इनमें से जो आपको अच्छा लगे 3-4 चीज़ें उसको डिस्क्राइब कर देना विथ एग्जाम्पल विथ मिनिस्ट्री, ठीक है? तुम ये सोचना कि तुम्हारे आगे कोई अगर कि गरीब आदमी है, ठीक है, एक रिक्शा वाला है, तो उसको क्या क्या जरूरत है, ठीक है? ठीक है, जो एक बैगर है उसको क्या क्या जरूरत है। तो जो जो उसकी जरूरत हो उसको एजेंसी से, किससे, किसी एक एजेंसी का, उसी नाम की कोई एजेंसी लिख देना, ठीक है, और उसी से उसको कनेक्ट करा देना, ठीक है? एजेंसी से उसके सोशल पॉलिसी को सोशल एक्शन में कन्वर्ट करा देना, तो वो उसका पूरा स्कोप हो जाएगा, ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि जो सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, वो एक सक्सेस
सक्सेसफुल एंड स्मूथ लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, इसी चीज़ की लैकिंग है हमारे अंदर, हमारे देश में। इसको अगर हम पूरा कर लेंगे तो सारी पॉलिसी अच्छी तरह लगेंगी। ठीक है, तो यहाँ तक ये हो गया। तो वो DPSP में आपको कौन कौन से लिखते हैं, तो 39 ए, ठीक है, ये क्या कहलाता है, क्या कहता है कि आपको फ्री एंड लीगल एड, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो एक तो ये वाला लिखना है आपको, एक आपको लिखना है 41। ठीक है, 41 कहलाता, क्या क्या कहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ होती है इसमें। फिर आपका हो गया 42 मैटरनिटी हो गया, ठीक है, 43 जो हो गया इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ लेबर हो गया, ये आप लचिमगान से पूरी इसकी लैंग्वेज देख लेना। ठीक है, फिर 45 हो गया कंपलसरी एजुकेशन टिल 14 ईयर, यही था। ठीक है, यहाँ पे खाना वाना भी खिलाते हैं। फिर हो गया आपको 46 प्रोटेक्शन ऑफ SC एंड ST एंड अदर माइनॉरिटीज। ठीक है, फिर आपको लिखना है 47। 47 में क्या है, रेज न्यूट्रिशन लेवल। ठीक है, न्यूट्रिशन लेवल एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, तो कम से कम ये आर्टिकल तो आपके सपोर्ट में चलने चाहिए, तभी आंसर अच्छा होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि थोड़ा हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि देखो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसे होता है स्टेट लेवल पे। ठीक है, ये देखो स्ट्रक्चर पता होगा ना, तो आपको आंसर में पता होगा कि मेरे को कहाँ से कौन सी पॉलिसी रिलीज करवानी है। ठीक है, एक होता है सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट, पबेड वाले बच्चों को ही पता है। ठीक है, तो थोड़ा और ध्यान दे लो। एक होता है एग्जीक्यूटिव, जो पॉलिसी को एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो ये सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट ये कहलाती है पॉलिसी मेकिंग बॉडी। और एग्जीक्यूटिव जितने भी होते हैं ये कहलाते हैं पॉलिसी एग्जीक्यूशन बॉडी। ठीक है, तो ये दोनों एक साथ काम करते हैं। ठीक है, अगर इन्हीं में जहाँ पे भी यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, ठीक है, अनयूनिफॉर्मिटी हो गई, ठीक है, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी हो गई, ठीक है, तो दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो पॉलिसी क्या हो जाती है, पैरालाइज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पॉलिसी पैरालाइज को दिखा दोगे, और फिर यहीं पे अगर कुछ ज़्यादा इनोवेटिव बच्चा है तो इसका ऐसे सॉल्यूशन इजकल टू सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट लेवल में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि लोकल लेवल में क्या होता है। अब लोकल लेवल में देख लेते हैं। ठीक है, और इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा काम करना है लोकल लेवल में। तीन उसमें चलते हैं, अगर मैं यहाँ पे डिवीज़न लिखूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँ क्लाइंट, ठीक है, क्लाइंट नहीं लिखता हूँ मैं, पवेड वाली लैंग्वेज लिख देता हूँ, वहाँ पे बोलते हैं CLIENTELE। ठीक है ना, और पर्सनल, ठीक है, NELA। ठीक है, डिवीजन में क्या आता है, देखो एक होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, आपको पता है, दूसरा डिवीजन होता है ब्लॉक लेवल पे, तीसरा डिवीजन होता है विलेज लेवल पे। ठीक है ना, अब देखो कोई भी लोकल बॉडी है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या देखेंगे हम कि क्लाइंट को क्या फ़ायदा मिलेगा। तो क्लाइंट को तभी फ़ायदा मिलेगा अगर वो इलिजिबल हो। ठीक है, पहली कंडीशन, अब इलिजिबल अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो इलिजिबल होना चाहिए, अगर वो इलिजिबल नहीं है तो उसको पहले वो कहो वो सब चीज़ें लाए। ठीक है, मान लो कि कोई एक पॉलिसी है डिस्ट्रिक्ट की जो गरीबों को मिलेगी, तो उसके लिए आय प्रमाण पत्र चाहिए, तो सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू आय प्रमाण पत्र बनेगा। ठीक है, डिसेबल प्रमाण पत्र जो भी बनेगा, तो पहले उसकी एलिजिबिलिटी को मैच करना है। ठीक है, और ये एलिजिबिलिटी जो हो सकती है ये डिफरेंट हो सकती है ऑन द नीड, ठीक है, और प्रॉब्लम, ठीक है, फिक्स भी हो सकती है, फ्लक्चुएट भी हो सकती है। पर्सनल में क्या लिखेंगे, देखो कौन सेंटर लेवल पे बैठे हैं, सेक्रेटरियट बैठे हैं, ठीक है ना, सेंटर लेवल पे। फिर टॉप मैनेजमेंट बैठता है, ठीक है, फिर कौन बैठते हैं, फील्ड लेवल पे बैठते हैं लोग कुछ, ठीक है, टॉप में मैनेजमेंट लेवल लिखना। ठीक है, फील्ड लेवल पे बैठते हैं, और फिर होते हैं प्रोफेशनल सोशल वर्कर, हम जैसे लोग यहाँ पे सरवाइव करेंगे। ठीक है ना, तो ये सेंट्रल सर्वेंट होगा, ये टॉप मैनेजमेंट होगा, ये फील्ड लेवल वाले हो गए पोजीशन, ये होगा। ठीक है ना, अब देखो क्या है कि ये हमने दो वो पढ़ लिए, एक लोकल लेवल पे पढ़ लिया, एक स्टेट लेवल पे पढ़ लिया।
इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, क्या कॉमन है प्रॉब्लम, ठीक है, क्यों हमारी ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर पा रही है। पहली प्रॉब्लम यह है कि ये लिखनी है वहाँ पे लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टाइज, ठीक है, टेक्निकल नॉलेज उनको बहुत कम है। डिजिटल इंडिया चल रहा है, इसमें आज भी गवर्नमेंट ऑफिसर में ये हालत है कि वो मेल नहीं लिख पाते, ठीक है ना। जो नए नए रिक्रूट लोग होते हैं ना, उनसे कहते हैं भाई हमारा मेल कर दे, ठीक है ना, वेबसाइट खोलना आता है उनको, यूट्यूब चलाना आता है और गाना देखना आता है, इससे ज़्यादा कोई काम नहीं कर सकते। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ कुछ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर ब्यूरोक्रेटिक डिलेज है, आ जाना कल आना, आज साहब का मूड नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। तीसरा क्या है, नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का मतलब भतीजा भाई भतीजा बात अपने लोगों को ही लगा दे रहे हैं, ठीक है, फेवरेटिज्म बोलते हैं इसको। और क्या क्या है, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर हो रहे हैं, जो अच्छा आदमी है अगर वो उनका काम नहीं कर रहा है तो ऊपर से मंत्री के थ्रू उसका ट्रांसफर हो जा रहा है, ठीक है। और क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, एटीट्यूडनल प्रॉब्लम है। सरकारी गवर्नमेंट में जो काम करते हैं ना, वो तो उनका एटीट्यूड होता है कि हम राजा हो गए, भी हमें कोई निकाल नहीं सकता, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, तो ये एटीट्यूड उनके अंदर आ गया है, ठीक है। प्रॉपर उनकी क्या है, ट्रेनिंग नहीं हुई है, आधे से ज़्यादा की तो ट्रेनिंग नहीं हुई है अभी तक, ठीक है, और कोई फीडबैक मैकेनिज्म नहीं है। तो वो ये कॉमन निकला है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि कुछ डिपार्टमेंट में फीडबैक मैकेनिज्म, तो बोलो कि सर कितने में तो फीडबैक मैकेनिज्म होती है, वहाँ पे एक डब्बा भी बना रहता है कि अपनी शिकायत यहाँ पे डालो, ठीक है। तो ये जो है हम ऑन एवरेज ले रहे हैं कि मोस्ट कॉमन जो है ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अपने पंचायत में जाना, वहाँ पे कितने डब्बे मिलते हैं उनको गिनो, तो पता चल जाएगा ग्राउंड लेवल पे कि वो वहीं अच्छा लगता है जहाँ पे, जैसे स्टेट दिल्ली में आओ सेंट्रल लेवल पे, तो यहाँ पे तो प्रॉपर ही सब मिलेगा, ठीक है। जैसे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक और विलेज लेवल में चले गए तो ये सब एकदम खत्म हो जाता है मामला, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम है, तो इससे हमारा क्या हुआ, जो हमारा पवैट था, ठीक है ना, पवैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो पॉलिसी निकालता था, वो पैरालाइज इन कारणों से हुई है, ठीक है। तो इन कारणों पर हमें अगर सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए तो ये पॉलिसी काफ़ी अच्छी हो सकती है और जो टारगेट लेवल है उसको पकड़ सकती है, ठीक है। तो ये तो हो गया क्या कहते हैं गवर्नमेंट वाला, मतलब एक तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। अब जो प्राइवेट इंटाइटी होती हैं वो कैसे काम करती हैं, तो वो बहुत छोटा सा है। जितनी प्राइवेट इंटाइटीज होती है, ठीक है, चाहे एनजीओ हो, चाहे वॉलेंट्री ग्रुप हो, ठीक है, चाहे आपके चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हो, वो जो काम करते हैं वो करते हैं सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, ठीक है ना, CSWB, इसके अकॉर्डिंग इसमें करते हैं ये, कभी ये इनको फाइनेंशियल हेल्प भी देता है, ठीक है ना। और जो स्टेट में होते हैं वो स्टेट वेलफेयर बोर्ड होते हैं हर स्टेट के, ठीक है। हमारे देश में जितने स्टेट हैं उतने वेलफेयर बोर्ड हैं, ठीक है ना, तो 28 28 के पास है, तो वो एजेंसी अपने स्टेट लेवल पे प्राइवेट जितने भी एनजीओ होते हैं उनको पैसा भी देती है, ठीक है, और उनको वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन उनको पैसा भी देती है और उन पर निगरानी भी रखती है, तो वो इसके अंडर में काम करते हैं, ठीक है। इनकी कुछ ऐसी हायरकी नहीं होती क्योंकि ये फ्री हैं, ठीक है, गवर्नमेंट में हायरकी मिलेगी, यहाँ पे कोई हायरकी एज इट मिलती नहीं है, ठीक है। सेम प्राइवेट वाला काम होता है, एक मैनेजर होगा, एक सीईओ होगा, प्रेसिडेंट होगा, जो भी होगा, और फील्ड वर्कर होंगे और अपनी अपना सैलरी लेकर खुश होते रहते हैं। तो यहाँ तक हमने एडमिनिस्ट्रेशन की मेन जो पिलर थे उसको पकड़े। अब हम पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल क्या होते हैं सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन में।